तो आपने ये फ्रेम भी देखा होगा जहाँ पर जो है उनकी मम्मी जो यहीं पर खड़ी रहती है फिलहाल, जहाँ पर स्कूटी खड़ी है ना उसके जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पर आईडी गेट के सामने निखिल शर्मा जो मुंबई का निखिल यूट्यूब चैनल के ओनर है, और भाई ये चैनल जो है ना फर्स्ट एवर इंडियन ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है जो कि यार मोटो ब्लॉगिंग करता है। और भाई बहुत टाइम पहले इन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया था, मतलब कि 3 जुलाई 2013 को जो उन्होंने अपना चैनल ओपन किया था, और भाई उसके ठीक 1 साल 10 दिन बाद जो उन्होंने पहली वीडियो अपलोड की थी और वो डेट था 13 जुलाई 2014 का। तो मतलब देख रहे भाई जुलाई जुलाई काफी ज्यादा कॉमन हो रहा है, जुलाई में अपना चैनल क्रिएट किया, जुलाई में ही वीडियो अपलोड की, और भाई जुलाई के मंथ में मैं भी उनसे मिला, तो भाई फिर से एक बार जरूर मिला जाएगा। तो एक और काफी बढ़िया चीज बताता हूँ जो कि यार काफी लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं उनके चैनल का नेम प्रोनाउंस करने में। सो बेसिकली मैंने भी शायद किया होगा, मुझे खुद भी नहीं पता, फ्लो में निकल जाता है भाई। तो देखो उनके चैनल का नाम जो है मुंबई का निखिल नहीं है, इट्स मुंबाइकर निखिल, ठीक है। तो अगर आप उनके चैनल का नाम पढ़ोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि MUM दैट इज स्टैंड फॉर मुंबई एंड बाइकर मतलब बाइक चलाने वाला, तो BIK, तो अलग है, दोनों चीज अलग है। जबकि यार यहाँ पर मुंबई में अगर आप रहते हो तो आपको कॉमनली पता होगा कि लोग जो है अपने एरिया के नाम के आगे जो है KAR ऐड कर देते हैं कर, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अगर मैं पवई में रहता हूँ तो भाई मैं पवई कर हुआ, और जो भांडुप में रहता है वो भांडुप कर हुआ, जो थाने में रहता है वो थाने कर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस तरीके से कुछ यहाँ पर चलती है चीजें, तो उन्होंने उस चीज को लगभग फॉलो करके शायद इस तरीके से अपना नाम रखा होगा। लेकिन हाँ उन्होंने अपने एक वीडियो में जो है खुद ही बताया था कि कुछ इस तरीके से उनके चैनल का नाम है, दैट इज मुंबाइकर निखिल। और फिलहाल बात करें भी उनके YouTube चैनल के, तो यार उन्होंने यार 2100 से ज्यादा वीडियोस अभी तक अपलोड कर दी हैं, और साथ में जो है उनकी अभी 40 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलो फिर से ब्लॉग पे चलते हैं। हेलो एवरीवन, चैनल के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैं पहली बार मिला था सर मुंबईकर निखिल से। तो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि मैं आज के इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि कब मैं मुंबईकर निखिल से मिला, कहाँ मिला, किस जगह पर मिला, कितनी तारीख को मिला, भाई सब डिटेल में बताऊँगा आज के इस ब्लॉग में। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ऑफिस का दिन भर का काम खत्म करने के बाद चिलचिलाती धूप में मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर ब्लॉग बनाने के लिए। और फिलहाल अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, अभी 4:30 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल उस जगह पर उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जब मैं मिला था सर मुंबईकर निखिल से। तो यहाँ पर आने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरे घर से लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने के लिए। और बात है 19 जुलाई 2020 की, यानी जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया था उस टाइम पे। और मैं भाई आया था ATM में लाइन लगाने के लिए, लेकिन लगभग 2 घंटे तक लाइन लगाने के बाद जब तक मेरा नंबर आया तब तक जो है भाई ATM के पैसे ख़त्म हो चुके थे। और भाई उसके बाद मैं आया और इस दुकान पे जो आपको दिख रही है महेंद्र टी एंड कोल्ड ड्रिंक हाउस, तो यहाँ पर जो है आकर मैंने चाय पिया था। भाई यहाँ की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब 10 रुपये कप चाय बिकती है भाई, लेकिन दिन भर में कुछ नहीं तो 5 से 7 हज़ार कप तो ऑलरेडी यार यहाँ पे बिकते ही हैं। और बात करें यहाँ पर मैं मिला था उनसे मुंबईकर निखिल से, तो ये गैराज में वो आए थे। तो सबसे पहले यार जैसे मैं यहाँ से जा रहा था ना, तो उनको मैंने अंदर देखा शॉप के अंदर, जहाँ पर वो अपने बाइक के पार्ट्स के लिए कुछ सामान ले रहे थे। और सामान लेने के बाद जब वो बाहर निकले तो मतलब मैं बोला भाई मुझे एक सेल्फ़ी लेना है, उन्होंने बोला रुक जाओ 10 मिनट क्योंकि मुझे एक और सामान लेना है, वो मैं ले लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे सेल्फ़ी लूँगा। तो यहाँ से मैं आ गया और फिलहाल मैं यहाँ पर आके चाय पीने लगा और वहीं से मैं जो है उनका इंतज़ार करने लगा कि कब आते हैं दुकान से बाहर। तो भाई आज फिर से मैं पीता हूँ चाय यहीं पर इस दुकान से। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी 10 रुपये की चाय, और फिलहाल ठीक उसी दिन की तरह मैं इस चाय को भी पी रहा हूँ। लेकिन हाँ भाई, उस दिन यार ये चाय ठंडी लग रही थी और आज ये काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रही है क्योंकि आज फिलहाल गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन उस टाइम पे भाई जुलाई का टाइम था तो भाई बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो फ्रेंड, उस दिन जब मैं चाय पिया यहाँ पर चाय ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी निखिल सर बाहर नहीं आए। तो उसके बाद मैं इस साइड से जाकर उस साइड में वहाँ पर खड़ा हो गया। तो फ्रेंड, अभी मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मैं उस दिन भी खड़ा था। और यहाँ पर तो ये है आगे जहाँ पर चाय मैंने पिया, और उसके बाद यहाँ पर जो है इस ऑटो वालों के दुकान के अंदर जो है मुंबईकर निखिल सर अंदर गए थे, तो मैं यहीं पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद वो जो है बाहर आए और अपनी स्कूटी की डिग्गी ओपन करके उसमें कुछ सामान रखा, और उसके बाद स्कूटी पे बैठे और इधर उधर देखने लगे कि मतलब वो बेसिकली मुझे देख रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने बोला था भाई मुझे एक सेल्फ़ी लेना है।
जब मैं उन्हें नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी और भाई मैं दौड़ के उनके पास गया, क्योंकि भाई उस समय मैंने मास्क लगाया हुआ था क्योंकि कोविड का टाइम था उस टाइम पे इसकी वजह से। और फिर मैं दौड़ के गया उनके पास, उसके बाद मैंने वहाँ पर खड़े होकर उनके साथ में एक सेल्फी ली, हाथ मिलाया और उसके बाद वो चले गए और फिर मैं यहाँ से अपने घर की तरफ चला गया। तो भाई देख सकते हो ये है वो सेल्फी जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने मास्क पहना था, मैंने मास्क निकाल दिया था सेल्फी लेने के लिए और हाथ में मास्क था, फिर उसके बाद मैंने तुरंत मास्क पहन लिया था क्योंकि भाई उस टाइम पे यार कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा लफड़ा चल रहा था। और फ्रेंड्स यार आई होप यार आपको ये स्टोरी मेरी छोटी सी पसंद आई होगी और भाई वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो यार सर मुंबई का निकलता कि ये वीडियो पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कुछ बोनस चीज़ें भी दिखाता हूँ। सो फिलहाल आप जो मेरे पीछे टावर देख रहे हो ये बेसिकली बिल्डिंग है, यहाँ पर उनकी मम्मी रहती है मुंबई के निकल की। और मैं आपको यार पूरा एड्रेस तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने भी कभी अपने ब्लॉग में पूरा एड्रेस बताया नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड शायद आपको यहाँ पर पीछे जो है उनका बाइक का शेल्टर भी देखने को मिल रहा होगा और जहाँ पर ये जो अपनी पुरानी टाइगर थी ना उनको यहाँ पर खड़ी करते थे जो उनकी बाइक थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर यार देखो मतलब मुझे यहाँ पर हर एक लोकेशन पता है कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनका नया वाला घर कौन सा है, पुराना वाला घर कौन सा है, लेकिन मैं कभी भी उनके घर पे नहीं गया क्योंकि यार मुझे पता है कि सबकी हर एक की अपनी प्राइवेट लाइफ है तो इंटरप्ट करना काफ़ी मतलब बेकार चीज़ होती है, बेसिकली काफ़ी इमेच्योर थिंग होती है। और यार जब वो खुद से बुलाएंगे ना तब हम मिलने जाएंगे या फिर ऐसे ही रास्ते में कहीं मुलाकात हो गई तो ज़रूर से यार मिलेंगे उनसे। और फ्रेंड्स आई होप यार आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स मैं इसी तरीके की वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। तो भाई साहब ब्लॉग बनाने के चक्कर में इनके पैसे देना ही भुला गया। भैया आई पैसा ले लेवा।